कर्मचारियों के मोर्चा लगाने के पहले सरकार ने दिया न्योता, कर्मचारियों को मीटिंग के लिए भेजा बुलावा। 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी से होगी मीटिंग। पंजाब यूटी मुलाजिम व पेंशनर्स फ्रंट के कल से शुरू हो रहे प्रदर्शन से पहले सरकार ने मीटिंग के लिए बुलावा भेजा है। उपमंडल मैजिस्ट्रेट अधिकारी मोरिंडा की ओर से पुलिस प्रशासन मोरिंडा को एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब यूटी मुलाजिम व पेंशनर्स साझा फ्रंट द्वारा मुख्यमंत्री आवास के बाहर 2-3 अक्टूबर को रैली के बाद पक्का मोर्चा लगाया जाना प्रस्तावित है। इस विषय में आपको सूचित किया जाता है कि डेप्यूटी कमिश्नर रूपनगर द्वारा अधिकारियों से बात की गई है और 3 अक्टूबर को 1:30 से 2 बजे तक फ्रंट की मुख्यमंत्री पंजाब के साथ मोरिंडा में ही मीटिंग तय की गई है। आपसे आग्रह है कि विषय में आप यूनियन के नुमाइंदों को इस बारे सूचित करें, वो उनसे कहे कि वो प्रदर्शन को विराम देते हुए उपरोक्त स्थान पर दिए गए समय अनुसार पहुंचे। कर्मचारियों के मोर्चा लगाने के पहले सरकार ने दिया न्योता, कर्मचारियों को मीटिंग के लिए भेजा बुलावा। 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी से होगी मीटिंग। पंजाब यूटी मुलाजिम व पेंशनर्स फ्रंट के कल से शुरू हो रहे प्रदर्शन से पहले सरकार ने मीटिंग के लिए बुलावा भेजा है। उपमंडल मैजिस्ट्रेट अधिकारी मोरिंडा की ओर से पुलिस प्रशासन मोरिंडा को एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब यूटी मुलाजिम व पेंशनर्स साझा फ्रंट द्वारा मुख्यमंत्री आवास के बाहर 2-3 अक्टूबर को रैली के बाद पक्का मोर्चा लगाया जाना प्रस्तावित है। इस विषय में आपको सूचित किया जाता है कि डेप्यूटी कमिश्नर रूपनगर द्वारा अधिकारियों से बात की गई है और 3 अक्टूबर को 1:30 से 2 बजे तक फ्रंट की मुख्यमंत्री पंजाब के साथ मोरिंडा में ही मीटिंग तय की गई है। आपसे आग्रह है कि विषय में आप यूनियन के नुमाइंदों को इस बारे सूचित करें, वो उनसे कहे कि वो प्रदर्शन को विराम देते हुए उपरोक्त स्थान पर दिए गए समय अनुसार पहुंचे।